हेलो एवरीवन, अगर आप एक बीएड होल्डर हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा ताकि आपसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब छूटने ना पाए। देखिए, आप जानते हैं कि सन 2022 में शिक्षकों की एक बड़ी मात्रा में बहाली होनी है। अगर आपका बीएड का सेशन 18-20 है, 19-21 है, 20-22 है या 21-23 है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ये भी जानते हैं कि सन 2022 में 1.25 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है, ठीक है। अब जो ये बहाली है ये दो फेज में होनी है। 6 फेज की जो बहाली प्रक्रिया है इसी मंथ में यानी कि फरवरी में पूरी हो जाएगी। अब जिसने इसमें भाग लिया है उसको बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, जो न्यू बीएडधारी है, उनको किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो बस इसको आप अच्छी तरीके से समझे। देखिए, 1.25 लाख जो शिक्षकों की बहाली होनी है वो सभी लेवल में होना है, प्राइमरी है, मिडिल है ना, हाई स्कूल है, सभी लेवल पर होना है। अब ये जो 6 फेज की बहाली है इसके लिए आपको पता है, इसके लिए जो है बीटेट यानी कि बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट जो है सन 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, उसी के बिहार पर सीटेट वाले भी बीटेट वाले भी सभी इंक्लूड होकर के 6 फेज में क्या कर रहे हैं, बहाल हो रहे हैं। अब जो बच्चे अभी न्यू बीएड धारी है उनको क्या करना है, जिनका सेशन 18 हो या 19 हो या 21 हो या 23 हो, कोई भी सेशन हो, आपको ये बात आपको समझना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं फॉर्म, और अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया है तो आपके लिए वेरी गुड है, और अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो अभी भी आपके लिए मौका है कि इस बहाली में भाग ले सके। कैसे ले सकते हैं, देखा होगा कि शिक्षा विभाग ने ये लेटर जारी कर दिया है कि इसी साल में 11 जून तक में आपको दोबारा से बीटेट यानी कि बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा दोबारा से, और इसमें क्या है कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। जिस भी लेवल में आप टीचर बनना चाहे, है ना, प्राइमरी में बनना चाहे, मिडिल में या फिर हाई स्कूल में, किसी में बनना चाहे, आप इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आप याद रखिए कि 7th फेज जब कराया जाएगा तो पिछले वाले बीटेट से नहीं करवाया जाएगा, दोबारा से ये टेट करवाया जाएगा जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। तो 11 जून यानी कि मंथ जून तक आपको ये जो बीटेट है कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, और अगर कर लिया है वेरी गुड है। तो आपको क्या करना है, आप अगर किसी भी सेशन में हैं आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी करनी है, यानी कि किस तरीके से बीटेट यानी कि बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, और इस तैयारी को हाथ से जाने नहीं देना है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी से आप इसके लिए एकदम तरीके से लग जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप ये समझ ले कि ये बहाली हो करके रहनी है, क्योंकि पिछले 11 सालों से कोई बहाली नहीं हुई है और ये बहाली हो करके रहेगी, ठीक है। क्योंकि आज भी ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कराया गया था, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको आज ही का डेट मिलेगा। देखिए, आज भी सीएम नीतीश कुमार जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, 40 स्टूडेंट्स पर एक शिक्षक को बहाल किया जाए, और आपको शिक्षक की हालत आपको पता होगा कि 100 स्टूडेंट्स पर भी एक शिक्षक भी नहीं है हमारे बिहार में। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपकी बहाली प्रक्रियाएं शुरू होंगी तो कितनी जल्दी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो मैं एक चीज और आपसे कहूंगा कि अगर आप 19-21 सेशन में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो सेशन ईयर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत से बच्चों का अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, लेकिन बहुत जगहों का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया, उनका रिजल्ट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी से, है ना, मुजफ्फरपुर में जो है वहाँ के बीएड सेकेंड ईयर यानी कि 19-21 का जो जिनका सेशन था उनका जो है रिजल्ट आ गया है। वो किस तरीके से आया, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि वहाँ पर कोर्ट का आदेश जारी हो गया था कि आपको सभी चीज़ें अपने वक्त पे करना है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का सेशन कम्प्लीट हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट या फिर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया गया है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप उनसे कहें कि प्लीज़ आप जल्दी से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं ताकि ये बहाली आपसे छूटने ना पाए। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो आपको आपके माइंड में तो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे बीएड के सभी लैंग्वेजेस में वीडियोस अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब के सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर आप एक साथ में 2 कोर्स करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या न्यू अपडेट है, वो सभी चीज़ें मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।